है? क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से बीम के उंगली के निशान। और ये पत्थर देखो कितना, मैं भी आ रहा हूँ इस पत्थर के नीचे, देखो कितना इसके नीचे से भी पानी आ रहा है जिसमें पानी भाई कई सालों बाद आया, 15-20 साल बाद। हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों तो मैं आज जा रहा हूँ गाइस विराटनगर में, यानी कि पुराने की जो नगरी है राजा विराट की नगरी, और वहाँ है गणेश मंदिर, बहुत ही शानदार मंदिर है, वहीं जा रहे हैं आज। और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा आप एंड तक, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं आपसे गणेश मंदिर। हम पहुंच चुके हैं विराटनगर, अब चलते हैं विराटनगर के गणेश मंदिर। तो ये विराटनगर का ये मार्केट आ गया, तो अभी गाइस आगे से घूमना पड़ेगा। ये सामने गणेश मंदिर, यहाँ से ये आगे गली है, गली का पूरा रास्ता ही है, रोड है, और इस वाली रोड से जाना पड़ेगा आगे। ये सामने गेट आ गया और ये पीछे मार्केट रह गया विराटनगर। ये गेट है गाइस गणेश जी मंदिर विराटनगर। ये देखो ये कितना बड़ा पत्थर है, ये भी उसी टाइम की है, पौराणिक समय की, और इस पे कुछ लिखा हुआ भी है। भाई हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर के मेन दरवाजे पे, और ये देखो ये सामने गणेश मंदिर का मेन दरवाजा है, और ये जाता है मेड की तरफ, और ये रास्ता जाता है बीजक डूंगरी या बीजक पहाड़ी। तो चलते हैं गाइस अंदर और दिखाते हैं आपको गणेश मंदिर। मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ, तो करवाते हैं टूर गणेश मंदिर का, दिखाते हैं क्या क्या देखने की चीज़ें हैं यहाँ पे। गाइस इस मंदिर की स्थापना राजा विराट ने करवाई, विराट की जो राजा थे उस राजा ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। और ये जो गणेश मंदिर की जो प्रतिमा है गणेश जी की, वो प्राकृतिक निकली हुई है। हमने जो रेड कलर में दिख रहा है ये गणेश मंदिर है, ये वाला, और वो ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। भाई ये है गणेश कुंड, और इसमें पानी भाई कई सालों बाद आया, 15-20 साल बाद। ये देखो अब की बार बारिश भी बढ़िया हुई थी ना, तो चलते हैं मंदिर में। ये अब लगा दिए, पहले नहीं थे ना भीड़ भाड़ की वजह से। ये रास्ता है मंदिर तक जाने का, हाथ वाथ धो लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर तक, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, तो बने रहेगा वीडियो में, दिखाते हैं आगे। और अभी तो गणेश जी के आपको दर्शन और करवाने हैं, तो बने रहेगा इस व्लॉग में। काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है ना, और ये मंदिर है गाइस, ये मंदिर है सामने, चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस मंदिर में पहुंच चुके हैं, सामने गणेश जी हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। और गाइस यहाँ पे ये क्या क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ से, यहाँ से दिख रहा है भाई कजारिया का प्लांट दिख रहा है यहाँ से। और भाई इस साइड में आ जाओ, ये विराटनगर आ गया, सामने भीम डूंगरी है। तो अब चलते हैं गाइस ऊपर, ऊपर कुंड है और उसमें से शायद पानी भी बह रहा है नीचे, झरने चल रहे हैं। और ये देखो ये नीचे का नज़ारा है, तो चले दिखाते हैं आपको कुंड। ये गेट है, इसके अंदर होके जाना पड़ता है, और ये सामने कुंड है, ये है गाइस कुंड। और पानी देखो कहाँ से आ रहा है इसमें, इस कुंड में आ रहा है, कुंड से भी नीचे जा रहा है इस वाली नाली में से। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अभी है। तो गाइस जब ये कुंड है ना, इस पे जाल वाल लगा दिया है, कुछ सेफ्टी कर दी इसकी, इसमें कुछ हादसे भी हो चुके हैं पहले, बहुत गहरा कुंड था ये, और ये अलग से बना दिया है बाहर, ये इतना गहरा नहीं है। इस वाली नाली में से पानी जा रहा है ये नीचे। ये नीचे जा रहा है उस वाले कुंड में, बड़े वाले में। चलो भाई ऊपर चलते हैं अभी। ये देखो गाइस, तो भाई ये पानी आ रहा है, यहाँ भी है कुछ, देखते हैं चलो। ये देखो यहाँ से आ रहा है ये पानी, ये गौमुख है, इसमें से आ रहा है ये पानी। ये देखो भाई, और इसके नीचे से भी पानी आ रहा है,
कितनी ऊंची ऊंची चट्टाने हैं ये देखो। देखो ये कहाँ बैठा हुआ है, अच्छी जगह मिल गई यार बैठने के लिए, चेयर। चलो ऊपर चलते हैं। ये देखो गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा, देखो पत्थरों की डिजाइन देखो आप गाइस, ये देखो गाइस पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है ये। उसमें लाइट फिट कर रखी है, बल्ब कैसे क्या लगा रखा है इस पत्थर में। तो चलते हैं गाइस इधर, ये हनुमान जी का मंदिर है, चलो दर्शन करते हैं हनुमान जी के, फिर बाद में चलेंगे ऊपर। और ऊपर एक वो है तालाब, और वहाँ भी चलेंगे, वो जो छतरी सी दिख रही है ना वहाँ पे। और ये पत्थर देखो कितना, मैं भी आ रहा हूँ इस पत्थर के नीचे, देखो कितना बड़ा पत्थर है ये, तो हाथ लगा दे। और गाइस यहाँ पे वो उस गाने की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, करण अर्जुन वाली फिल्म का, एक मुंडा मेरी उम्र दा, इस जगह का सीन लिया गया था उस पिक्चर में। ये देखो ये कितना ऊंचा पत्थर है ये। अब चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। और ये क्या है, जय श्री राम, जय श्री राम। काफी प्यारा सा व्यू है, वहाँ पे कुछ पुराना कुछ बना हुआ है वहाँ पे। तू कहाँ बैठ गया भाई, यहाँ से देखो आप, ये देखो पत्थर कितना ऊंचा पत्थर है ये। और ये रास्ता, इसके नीचे भी है कुछ, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो विराट नगर कितना छोटा सा लग रहा है ना। ये देखो ये विराट नगर है भाई। चलो भाई अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं भीमगट्टा, और जो भीम के उंगलियों के निशान थे वो सब दिखाते हैं आपको। तो नाग नागिन का जोड़ा भी है, एक पुराना तालाब भी है यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे। चलो ये ऐसा कुछ रास्ता है आगे जाने का, यहाँ होके आना पड़ेगा। और तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं तालाब के पास में, जो ये देखो ये तालाब है। तो भी गाइस ये है नाग नागिन का जोड़ा, ये वाला, ये पत्थर की डिजाइन में, पर पता नहीं रियल था कि नहीं था। ये तालाब है, और ये है भीमगट्टा जिसपे भीम की उंगलियों के निशान हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू भाई। और गाइस ये है भीमगट्टा, और इस पे निशान है भीम के उंगलियों के, चलो दिखाते हैं आपको। तो गाइस मैं आ गया हूँ अब इस साइड में, और यहाँ से दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से भीम के उंगलियों के निशान। ये देखो ये वास्तव में यार उंगलियों के निशान ही है, ऐसे लग रहे हैं जैसे, ये देखो। तो गाइज मैं आ गया हूँ, वहाँ से तो नहीं दिख रहा था नीचे से, और यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखो ये है भीम की उंगलियों के निशान, लग रहा है ना हाथ के निशान है, ऐसा लग रहा है ना हाथ का ही है ना, क्या मस्त व्यू नज़र आ रहा है ये देखो। तो अब जा रहे हैं गाइज ऊपर, ऊपर से दिखाते हैं आपको, ये रास्ता है कुछ ऐसा ही। तो मैं जा रहा हूँ अभी, ये रास्ता है कुछ ऐसा, ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम इतनी ऊपर आ चुके हैं, ये देखो ये देखो ये तालाब है, कितनी ऊपर तालाब बना हुआ है पहले का। चल भाई मैं और बाबू जा रहे हैं ऊपर, छड़ भाई छड़ छड़ भाई छड़, लगा जोर गिर मत जाना। और गाइस ये देखो पत्थर है, हाँ ये पैर का निशान है ना, ये है गाइस ये पैर का निशान है, भीम के पांव का निशान, और ये है ये हाथ का निशान है, ये देखो गाइस। चल आगे चलो और आगे देखते हैं। ओए 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 पड़े पड़े पड़े, और यहाँ पे कुछ है ये हाथ को है, ये तो सही दिख रहे को ना, हाथ को है कहीं को है, ये वाला तो ऐसे लग रहा है जैसे पांव का निशान ही हो ना, नहीं लग रहा है बाबू,
पैर का सा निशान लग रहा है नहीं, जैसे कोई पाँव का है। और ओ यार तो तू कूद जाता है नीचे, ये खाई है, अगर इस खाई में गिर जाता तो तू तो इसी में रहता फिर। चल अब गाइस, पता नहीं ये जो ये पत्थरों पे निशान रियल है या पता नहीं क्या है, लोग बाग बताते हैं वैसे ही हम भी आपको बता रहे हैं। तो ये देखो अभी वहाँ चलते हैं, आराम आराम चल भाई। ओए 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 मैं तो वापस गया रिवर्स में। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए इस छतरी के पास में, ये देखो है ना यहाँ पे। तो ये बढ़िया कुछ घोंसले वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ से देखो ये रोड है विराटनगर तक, गणेश मंदिर से विराटनगर तक। कहाँ हो के कूदा भाई, कितने छोटे छोटे पत्थर हैं। ये देखो सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। क्या खा रहे हो, क्या खा लो। ये देखो गाइस कितनी गहरी खाई है ये, ये देखो पत्थर वत्थर पड़े हैं इसमें, कचरा वगैरह, कितना चौड़ा पत्थर है ये। ये देखो काफ़ी, वास्तव में यार मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे, तो टॉप पे तो एक ही नंबर। वो आगे मैं जाना फिसल भी सकता है यहाँ पे। खतरनाक जगह भाई, यहाँ से गिरा तो आदमी, यहाँ से गिरा आदमी तो गया, समझो गया। इस साइड में बीजक ना, भीम भीम नहीं, बीजक डोंगरी है वो। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है ना, नहीं दिख रहा, दिख रहा है वो रहा ना, वो झंडा सा लग रहा वो है। तो चलते हैं गाइस अभी यहाँ से। ऊपर जाके और वापस इसी गेट पे आ चुके हैं। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस स्कूल की भरी हुई बस आई हुई है यहाँ पे, बच्चों को लेके आए हैं टीचर्स। ये देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी देखने आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या, ओल्ड मार्केट विराटनगर, ये देख लो भाई। तो सामान वगैरह लेने आए हैं यहाँ पे विराटनगर पुराना मार्केट में मिलेगा भाई वो सामान। चलो जी यहाँ पे क्या मिलेगा। तो भाई सामान वगैरह ले लिए हैं और अब चलते हैं। हाँ जी कहाँ से आए हो भाई साहब, लगा लगा शाम हो गई गाइस, सामान खरीद से कड़ से समोसो, सब्जी वगैरह ले लो। और गाइस यहाँ पे विराटनगर की कुल्फी बड़ी फेमस है, ये देखो श्री राम कुल्फी दे दो, कुल्फी खाओ वो है एक नंबर, खिला दो तीन दे दो। पता कैसे हैं, थैंक यू। चलो कैसे की लगी, नाइस
सही है। एक नंबर।